हिमाचल की जनता ने बिल्कुल ठान लिया कि इस बार फिर से मिशन रिपीट करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ की जनता ने ठान लिया है कि हमें डबल इंजन की सरकार चाहिए, और डबल इंजन की सरकार के लिए मुझे लगता है कि हम पहले से भी ज़्यादा सीटें जीतकर इस बार सरकार बनाएंगे। और इसमें सबसे बड़ा योगदान जहाँ जनता का आशीर्वाद है, वहीं आप पत्रकार मित्रों का, लोगों तक जो हमने मैंने अभी योजनाओं की बात की वो आप पहुँचाएँगे। और जब चुनाव आते हैं, चुनाव में कई प्रकार की चर्चाएं होती है, ये चर्चाएं चलती रहती है, परंतु कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी मिशन रिपीट करेगी। वैसे तो मुख्यमंत्री जी विशेषकर जो गृहिणी सुविधा योजना, जिसके अंतर्गत माताओं को, बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन वितरित किए, उस उपलक्ष्य में कल यहाँ आने वाले हैं। और यहीं से पूरे प्रदेश के जो भी लाभार्थी इस गृहिणी सुविधा योजना से हुए हैं, उनसे वो संवाद भी करेंगे। जहाँ तक मैं कुल्लू ज़िला की बात करूँ, डबल इंजन की सरकार, उज्ज्वला योजना के बाद गृहिणी सुविधा योजना, जिसके पास भी गैस कनेक्शन नहीं, जिस परिवार के पास भी नहीं, उसको गैस कनेक्शन की सुविधा दी जाए। इसमें कुल्लू ज़िला में 17,559 परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए। और इसके साथ साथ जो दो गैस कनेक्शन रिफिल करने थे उसको भी मुफ्त दिया गया। उसमें 15,704 जो पहली उन्होंने गैस जो रिफिल की, वो 15,704 लोगों ने उसका लाभ लिया, और दूसरे में 6,866। और जहाँ पर मैंने कहा कि भाई 17,559 लोगों ने गृहिणी सुविधा योजना के तहत कनेक्शन लिए, वहीं उज्ज्वला योजना के तहत कुल्लू ज़िला में 11,696 लोगों ने लिया। और इसी के साथ कई प्रकार की योजनाएं केंद्र व प्रदेश सरकार की, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, हिम केयर हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, पेंशन योजना हो, हाउस ग्रांट हो, चाहे प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना हो, इसके अंतर्गत इतनी योजनाएं, सैकड़ों योजनाएं लोगों उसका लाभ ले रहे हैं। ये जो मैंने पहले भी कहा कि प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से कहा कि मेरी सरकार गरीब, मजदूर, युवा, महिला, किसान, बागबान, दलित, पिछड़े, अंतिम पायदान पर बैठे लोगों के लिए समर्पित सरकार है, वैसे ही हमारे आदरणीय जयराम ठाकुर जो गरीब परिवार से संबंध रखते हैं, उन्होंने उन योजनाओं को जो उससे व्यक्ति छूट रहे थे उनको अलग से हिमाचल प्रदेश की योजना उन्होंने आगे इम्प्लीमेंट की, और उसका लाभ लोग ले पा रहे हैं। और कल विशेष रूप से गृहिणी सुविधा योजना के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं, और 10 से 15,000 लाभार्थी उसमें भाग लें।